नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के Note 8 Pro के बारे में। दोस्तों Redmi के Note 8 Pro में एक नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है काफ़ी बड़ा है। दोस्तों ये अपडेट अगर आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अपडेट का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसी बारे में मैं आपसे बात करूँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों Redmi का Note 8 Pro काफ़ी पॉपुलर फोन है Redmi की तरफ से। दोस्तों Redmi के 8 सीरीज के बाद 9 सीरीज भी आ चुकी है और 10 सीरीज भी आ चुकी है, बट 9 सीरीज में अभी तक ये अपडेट नहीं आया और Redmi ने Note 8 Pro में दे दिया है। दोस्तों इस अपडेट के साइज़ की बात करूँ मैं तो आप देख सकते हो ये अपडेट दोस्तों 2 GB से ऊपर का है। और दोस्तों इसमें हमें एंड्रॉयड 11 और दोस्तों MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलता है, जो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है Redmi की तरफ से। दोस्तों ये जो अपडेट है ये हमें Redmi के 10 सीरीज में देखने को मिला है, बट दोस्तों ये जो अपडेट आप Redmi Note 8 Pro में दे दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी भर भर के फीचर देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, पहले से ही काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो दोस्तों आपको इस अपडेट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप इस अपडेट को करोगे तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपके फ़ोन की दोस्तों जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होगी पहले के मुताबिक। जैसे दोस्तों आपकी बैटरी 8 घंटे चलती है, तो इस अपडेट को करने के बाद आपकी बैटरी करीब 7 घंटे चलेगी, 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आपका फ़ोन पहले से लैगिंग करेगा, क्योंकि ये जो MIUI 12.5 है दोस्तों ये इतना स्टेबल नहीं है अभी, इस पर दोस्तों अभी काम चल रहा है। दोस्तों आप सोच समझ कर अपने फ़ोन को अपडेट करें। और वहीं दोस्तों आपको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको नए नए फीचर चाहिए MIUI 12 के, तो दोस्तों आप इस अपडेट को बिना टेंशन ही कर सकते हो, क्योंकि बक्स भले ही है इसमें लेकिन आपको पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर इस फोन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।